माँ पाके घर से चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही हमारी वीडियोस पर लाइक्स और कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दिखाना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी नीम के गुणों से तो वाकिफ होंगे ही। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि नीम का फ्रेश तेल कैसे बनाएं। इसके लिए हमें नीम की फ्रेश लीव्स चाहिए और इस तरीके से हम इसे एक मिक्सी में रख देंगे। तो नीम की निम्बोरिया भी काम आ सकती है। और हमने थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसका एक पेस्ट फॉर्म कर लिया। अब हम गैस पर एक बर्तन को रखेंगे और उसमें ये पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 100 ml के करीब कोकोनट ऑयल, ये देखिए, और इसे हम अच्छे से हिलाएंगे इस तरीके से। और तब तक हिलाएंगे जब तक कि हमारा तेल हरे रंग का ना हो जाए, हमारे नीम का सारा एक्सट्रैक्ट हमारे तेल में ना आ जाए। ये देखिए, लगभग अभी 10 मिनट हो चुके हैं और ये तेल भी काफ़ी सूख चुका है और हमारा तेल हरे रंग का भी हो चुका है। हिलाते समय ये ध्यान रखें कि कहीं नीम हमारा नीचे तो नहीं लग रहा, कहीं ये जल तो नहीं रहा, और इसे हिलाते रहें। ये देखिए, अब लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और हमने गैस बंद कर दिया है। ये देखिए, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अब हम तेल को स्टोर करेंगे। इसे हम एक छलनी से छानेंगे और स्टोर करने के लिए आप या तो कांच ग्लास का कोई बर्तन या फिर आप प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। अभी तेल बहुत गर्म था, हमने कांच का यूज़ करा। और अगर आपके पास कांच का बर्तन अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से छलनी से या फिर इस तरीके से हम कपड़े से भी छान सकते हैं। इसके बहुत बेनिफिट है। कपड़े से छानने से हमारा आसपास भी नहीं होता और बहुत ही अच्छे से छान लिया जाता है। चारों साइड से ऐसे पकड़ के बीच में से हम इसे अच्छे से निचोड़ सकते हैं। ये घुमाकर हमारा सारा नीम का तेल एक इस बर्तन में स्टोर हो जाएगा। नीम का तेल बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इसके बहुत सारे यूज होते हैं। सर ये देखिए, इसे कूलिंग इफेक्ट और इसे और खुशबूदार बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कैम्फर कपूर। जी हाँ, ये पूजा के लिए भी यूज़ की जाती है और किसी भी जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। इसमें हमने लगभग 2 क्यूब्स ऐड करी है कपूर की, 2 क्यूब्स कैम्फर की, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसे अच्छे से हिला देंगे जिससे कि ये हमारे तेल के अंदर अच्छे से घुल जाए, ये देखिए। और इसे हम यूज़ कर सकते हैं, अपने हाथ पर लगा सकते हैं, अपने सिर पर लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू देगा, बहुत ही बेनिफिशियल है। अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारी लीव्स बच चुकी थी हमने उसके साथ क्या किया। ये देखिए, इसका भी यूज हो सकता है और बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आता है इससे। ये देखिए, हमने और 2 कैम्फर की क्यूब्स दिया, इस तरीके से हमने इसे पीस दिया और अब हम इसे ऐड करेंगे उस लीव्स में। ये देखिए, जो हमारी ड्राई लीव्स बच गई थी हमने क्लोथ में जो बचाई थी उसमें हमने इसे ऐड करके अच्छे से घोल लिया। ये देखिए, अब हम एक दिया लेंगे और दिया में ऐड करेंगे ये थोड़ा सा हमारा लीव जो हमने अभी बनाया है और हम अब इसे जला देंगे। ये देखिए, अब दीप प्रज्वलित करने के बाद देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और एक रूम फ्रेशनर एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट। जी हाँ, ये मच्छरों को भगाने के लिए भी देसी उपाय है। ये देखिए, अब हमने इसे स्टोर कर रख लिया है एक प्लास्टिक के बाउल में और ये देखिए, किसी भी समय हम इसे यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी जरूर काम आएगी। ऐसी जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम आपके कमेंट्स के आने की कामना करते हैं। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।